खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर में बैंक खातों में हेराफेरी के मामले की काकादेव पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने भी जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को कई खाते फ्रीज मिले। मुख्य आरोपित हर्ष कटियार उसके करीबी फरार हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। जानकारियों के अनुसार शास्त्री नगर निवासी हर्ष कटियार धोखाधड़ी के मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप लगाया कि उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसकी बैंक में नौकरी लग गई है। उसे बैंक की ओर से 150 नए खाते खुलवाने का टारगेट मिला, जिसके बाद दोस्तों मोहल्ले के कई लोगों ने कई बैंकों में खाते खुलवाए। हर्ष ने सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते दोस्तों परिचय को धोखे में रखकर खुलवाए, जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही। पूछताछ के दौरान ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए, जिससे पीड़ितों ने बताया कि वे खाता खुलाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में हर्ष ने उन्हें लालच दिया और प्रति खाते उन्हें 1,000 रुपए सरकार की ओर से मिले। खाता खुलते ही वे उन्हें नगद पैसे देगा, इसलिए एक व्यक्ति ने पैसों के लालच में 4-4 खाते खुलवा लिए। ज्वाइंट सीपी ने बताया कि इस मामले जांच के आदेश दिए गए। क्राइम ब्रांच को जांच के लिए लगाया गया। उनकी रिपोर्ट आते ही मामले FIR दर्ज कराकर उपस्थित को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे मैन पांडे के साथ जो है कुछ कटियार नाम के लड़के ने खाता खोल के और उसने बताया कि मतलब बैंक में मेरी नौकरी लगी है और टारगेट पूरा करने के नाम पर उसने खाता खुलवाया और खाता बंद करवाने के नाम पर ATM वगैरह उसने रख लिया, जिसमें बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा कि खाते में कुछ लेन देन हो रहे हैं जो करीब 10-11 लाख के हैं और वो हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने संबंधित अधिकारी थाने में। कितने लोगों के खाते खुलवाए? करीब मालूम नहीं है अभी, ये लंबा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी सही जानकारी हम लोगों के पास, लेकिन है ज़्यादा लोगों का। ये सब फर्जीवाड़े से उसका अकाउंट बुला के दोस्ती यारी में सब खुलवाए गए। खुलवाने के बाद हर्ष कटियार नाम के लड़के ने उनके ATM सब रख लिए, मोबाइल नंबर उन्होंने अपना सिम दे के उसमें करा के सब कुछ कराया गया। अब कराने के बाद अब हम लोग मारे मारे भटक रहे हैं, हैं थानों में वो किया, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। कौन थाने आए थे? थाना काकादेव। सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा समिति की बैठक होती है और उस बैठक में जो मेरिट होता है उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, उसका एक प्रोसेस है। जांच के जो भी विषय और बिंदु होते हैं वो विवेचना का अंग होता है और विवेचना के जो डिटेल होते हैं उसे डिस्कस इस तरह से किया जाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।